हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ तुहाडे लई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम दे विच हर बार पूछा जाता है। सो आपां स्टार्ट करांगे। अज मैं गल कर रही हूँ वैन हैली दी, जो कि टीचिंग एग्जाम दे विच हर बार अपने कोल पैडागोजी विच क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह मैथ्स का टॉपिक है जो कि तुहाडे पेपर वन पेपर टू दोनों विच ही देखने को मिलता है। सो आपां स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक नूं। देखो, वैन हैली ने थ्यूरी दित्ती सी, किस ते दित्ती सी उसने? ज्योमेट्रिकल रीजनिंग ते ते ज्योमेट्रिकल थिंकिंग ते। वैन हैले जिहड़े अपने कोल परसन सी, इन्हां ने थ्यूरी दित्ती सी किहदे ते? ज्योमेट्रिकल रीजनिंग ते ज्योमेट्रिकल थिंकिंग ते। ये की कहिंदे सी? वैन हैले डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन लर्न ज्योमेट्री। इन्होंने आपकी थ्यूरी विच दस्या कि बच्चा किस तरह ज्योमेट्री नूं सिखदा है। इसने अपनी थ्यूरी विच की एक्सप्लेन किया कि बच्चे नूं ज्योमेट्री किस तरह आती है, ठीक है, वह चीज़ दसी इन्होंने। अकॉर्डिंग टू वैन हैले, देयर आर फाइव स्टेजिज ऑफ थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। वैन हैले दे अकॉर्डिंग की कह रहा है, ये पांच स्टेजिज़ ने ज्योमेट्री नूं सीखण दे। किन्नी स्टेजिज ने? पांच स्टेजिज ने। तो आप उस स्टेजिज़ नूं की पढ़ांगे हुण? अगे पढ़ांगे स्टैप बाय स्टैप। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट स्टेज उन्होंने की गल की सी? विजुअलाइजेशन। हुण एक चीज़ याद रखनी है, इसने के है लैवल जीरो। हुण बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना, देखो स्टेजिज़ किनिया ने? फाइव। तो लैवल किन्ने आएंगे अपने को? फोर, क्योंकि जिहड़ा स्टेज फर्स्ट है उसनों लैवल की रखे इन्होंने? जीरो रखे है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आप क्वेश्चन में देखना उन्होंने लैवल की गल की है या स्टेजिज़ की गल की है। अगर स्टेजिज़ की गल की है तो स्टेजिज़ होंगी अपने को फाइव, अगर लैवल की गल की है तो लैवल अपने को फोर होंगी है, बिकॉज विजुअलाइजेशन है जो लैवल कि होंगे जीरो होंगे। तो देखो विजुअलाइजेशन की होंगे, जिमें अपन नाम तो पता चल रहा, विजुअलाइजेशन मतलब कोई देखने के रिलेटेड कंसैप्ट है, ठीक है ना। ये की कह रहे हैं वैन हैले? इन दिस चिल्ड्रन ओनली नो द थिंग्स और क्रिएट इमेजेस और दैम आफ्टर सीइंग दैम। इन दिस द चाइल्ड क्लासीफाइज शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर अपीरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर अपीरेंस। हुण देखो ये की होंगे फस्ट स्टेज दे विच, कि बच्चा की करता है? शेप नू जज करता है, कि किसी ऑब्जेक्ट नू देख के, मतलब अगर मैं कोई शेप देती बच्चे नू तो वह कि जज करेगा? कोई ऑब्जेक्ट ना क्लासीफाई करेगा, रिलेट करके रिलेट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल तो समझते हैं, देखो आ कुछ एग्जाम्पल्स ने मेरे को फस्ट की दी विजुअलाइजेशन दी। हूँ अगर मैं किया, मैं एक शेप बनाती, मान लो स्केयर बनाती, हूँ मैं बच्चे पूछा कि दसो आ कि शेप है, उसनों तो पता नहीं भी यह स्केयर है, उसने तो यह चीज़ा पढ़िया नहीं, वो की करेगा? उसने कोई ऑब्जेक्ट देखा होएगा, उस नाल रिलेट करने की कोशिश करेगा, उसनों रिलेट करके दसेगा, मतलब वो कहेगा कि यह की एक बॉक्स है, यह की एक कैरम है, या वह की कहेगा एक डाइस है, मतलब वो की कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट ना रिलेट करके समझ रहा है इस शेप नू, ठीक है। इस तरह अगर मैं एक ट्रायंगल बना दा तो उसनों कहां कि यह चीज़ की है, हुण उसनों नहीं पता कि यह ट्रायंगल है, तो वह की करेगा? जो अगर उसने देखा हैंगर तो वह कहेगा ये तो हैंगर है एक, या की कहेगा वो सैंडविच है, या वो किधर रिलेट करेगा एक कैप ना रिलेट करेगा, मतलब उसने जो ऑब्जेक्ट देखा होगा इस शेप का उस ना रिलेट करके दस देगा। इसी तरह अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दाँ और बच्चे ने पूछा कि ये केड़ा शेप है, तो वो की कहेगा यह एक वॉच है, या कहेगा मून है, या फिर वो की करेगा रोटी ना रिलेट करके दसेगा, मतलब सर्कल वाली जिहड़ियां भी ऑब्जेक्ट होणगे उहदे नाल रिलेट करन दी कोशिश करेगा, तो वह चीज़ नूं दसेगा कि यह एक घड़ी है, या यह एक मून है, या एक रोटी है। इस तरह वह मतलब क्लासीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स नूं देख के, किहदे विच? फस्ट स्टेज दे विच, जिहदे विच अपने कोल की मिलता है विजुअलाइजेशन, मतलब लैवल जीरो दे विच। इसी तरह नैक्सट स्टेज दे विच देखते हैं की होंगे, अगे की आ गया अपने कोल लैवल वन, तो ये की होंगे अपने कोल डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक ते एनालिसिस, सेम ही गल है ये। देखो स्टेज सैकेंड दे विच की होगा, इन दिस द चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हुण देखो फस्ट दे विच वह देख के सीखिया ऑब्जेक्ट नूं, सैकेंड दे विच की होया वह हुण उहनूं ये तो समझ आ गई कि यह स्क्वेयर है या यह रिकटेंगल है ना, बट उहनूं वह किवें समझ रहा उहदी प्रॉपर्टीज़ दे बेस ते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के समझो, देखो ये की स्क्वेयर है, उसनों ये समझ आ गई कि यह स्क्वेयर है, आई भी समझ आ गई कि उसनों एक यह रिकटेंगल है, हुण यह समझ किस दे बेस ते आई? उसनों प्रॉपर्टीज़ दे बेस ते, मतलब उसनों ये पता लग गया कि स्क्वेयर होंदी है जिहड़ी, वह मतलब उसदियां साइड की होंदियां इक्वल होंदियां, उसनों ये समझ आ गई, ता ही उसनों स्केयर कहें जिस दिन साइड की होनगियाँ इक्वल होनगियाँ। रिकटेंगल किसनों कहें? उसमें यह भी समझ आ गया जिस दिन ओपोजिट साइड्स की होनगियाँ इक्वल होनगियाँ, मतलब वो की कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बेस से उसनों क्लासीफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट शेप्स नू। तो यह कि स्टेज के सीखा बच्चा? सैकेंड स्टेज के लैवल वन के। आई होप तुम्हें यह सैकेंड स्टेज समझ आ गई होएगी। आप चलते हैं नैक्सट स्टेज के। देखो नैक्सट स्टेज की कहती है, इनू की बोलते हैं? अबस्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, इनफॉर्मल डिडक्शन, इसनों की कहें? लैवल थर्ड।
देखो ये तीनों ही नाम है एग्जाम दे विच, तीनों नाम तो ही क्वेश्चन आ जाता है, तो नाम इन्हां दे तुसी याद रखने हैं। सो इस स्टेज दे विच की कह रहे हैं, इन दिस द चाइल्ड स्टार्ट मेकिंग कनैक्शन बिटवीन शेप्स बेस ऑन देयर सिमिलरिटीज। हुण देखो उसनू फर्स्ट स्टेज दे विच मैं तुहाड़ा दस्सदी हां, उहनें विजुअलाइजेशन कीता, मतलब देख के उसने क्लासीफाई कीता ऑब्जेक्ट्स नू, ते सेकंड विच उसने प्रॉपर्टीज नू देखिया, थर्ड दे विच की आ गया, उहो की कर रहा है शेप दी सिमिलरिटीज नू देख के मतलब समझ रहा है, क्लासीफाई कर रहा है। एग्जाम्पल देख, अपने कोल इक स्क्वेयर है, उन्होंने यह तो पता है स्केयर है, रिकटेंगल है यह भी पता है, इस लैवल इन्ना समझ है उन्होंने भी रिकटेंगल केड़ी होंगी स्केयर केड़ी होंगी है। हूँ ये वह की कर रहा है, सिमिलरिटीज़ लभन की कोशिश कर रहा है, मतलब सिमिलरिटी के बेस से समझ रहा है, उसमें यह पता है कि जोड़े स्केयर के एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कि 90 डिग्री, ये सारे एंगल किन्ने के होंगे 90 डिग्री के होंगे, उसनों ये भी पता लग जाएगा कि रिकटेंगल के भी 90 डिग्री के होंगे, किन्ने के होंगे 90 डिग्री दे। मतलब उसमें यह समझ आ गई कि दोनों के जड़े ये की है यदि सिमिलरिटी है, दोनों शेप्स के विच की है सिमिलरिटी है, मतलब स्केयर के भी 90 तो रिकटेंगल के भी 90, होर ये की सिमिलरिटीज़ है उन्हें यह पता लग गया, जड़ियाँ स्केयर दियाँ तो रिकटेंगल दियाँ ओपोजिट साइड्स की होंगे इक्वल होंगे, हूँ स्केयर की भी ओपोजिट साइड की होएगी इक्वल होएगी, इस तरह रिकटेंगल की इक्वल होएगी, इधरली साइड भी यह इक्वल होएगी, ये भी ओपोजिट साइड्स इक्वल होनगियाँ, और इन की लभ ली उन्हें सिमिलरिटी लभ ली, कि लैवल के लैवल थ सैकेंड के स्टेज कि आ गई अपने को थर्ड दे विच। इन्ना समझ आया सबनों, आई होप इन्ना समझ आ गया होएगा। नैक्सट स्टेज देखो की कहती है, आप आ गए हूँ फोर्थ स्टेज दे विच, हूँ फोर्थ स्टेज की कहती है, कहते फॉर्मल डिडक्शन, इसका नाम की है फॉर्मल डिडक्शन, लैवल कि आ गया अपने को थर्ड। हूँ ये की होंगे, इन दिस चाइल्ड स्टार्ट टू फाइंड फॉर्मूलाज ऑफ शेप्स। हूँ देखो उन्हें सिमिलरिटीज़ भी लभ लिया, सिमिलरिटीज़ के बेस से भी क्लासीफाई करता शेप्स नू, हूँ इस दे विच की आ गया फोर्थ स्टेज दे विच की आ गया, बच्चे नू हूँ फॉर्मूलेज की समझ आ गई, उसनू ये पता लग गया कि किसी भी चीज़ का एरिया पैरीमीटर फाइंड आउट करन दा फॉर्मूलेज की होंगे है, या उसनू समझ आ गई कि फॉर्मूलेज बने किवें। हूँ फॉर एग्जाम्पल उसनू पता लग गया कि स्केयर का जिहड़ा एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं किवें करूँगा, तो मतलब मैनू की करना पऊगा साइड का स्केयर करना पऊगा, यही पढ़िया आपां ए दी स्केयर, अगर ए साइड अपने कोले तो यही पढ़िया होया एरिया दा फॉर्मूला कहिंदा ए दी स्केयर, उन्हूं समझ आ गई कि मैनूं एरिया फाइंड करन वास्ते की करना पऊ फॉर्मूला यूज़ करके तो मैं एरिया फाइंड आउट कर लूँ। इस तरह रिकटेंगल विच उसनूं समझ आ गई कि रिकटेंगल दा एरिया किन्ना हुंदा है, लेंथ इंटू ब्रैथ, उसनू पता लग गया कि लेंथ इंटू ब्रैथ करूँगा तो की आ गया मेरे को एरिया आ जाएगा। उसनू यह भी पता लग गया कि पैरीमीटर हुंदा है वो किस तरह बनिया, अपन सबनों पता है पैरीमीटर की हुंदा है, सम ऑफ साइड्स सारिया साइड्स का मैं अगर सम करा तो मेरे को आएगा पैरीमीटर, उसमें पता लग गया स्केयर का किन्ना होंगे 4a ते रिकटेंगल का किन्ना होंगे 2l+b की होंगे पैरीमीटर होंगे की होंगे पैरीमीटर होंगे, उसमें इस स्टेज के आके पता लग गया मतलब फॉर्मल डिडक्शन के लैवल थर्ड के हूँ ये अपने को फोर्थ। नैक्सट स्टेज चलते हैं, देखो फोर फिफ्थ स्टेज की कह रहे हैं, रिगर और एग्जोमैटिक, सब तो इंपोर्टेंट की कहें वर्ड है ये जिहड़ा कि एग्जाम पूछा जाता है, एग्जोमैटिक दे बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो लैवल फोर्थ, लैवल फोर्थ ये की कह रहे हैं, इन दिस द चाइल्ड क्रिएट थिंग्स बाय हिमसैल्फ अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमैट्रिकल थिंकिंग। हूँ ये लास्ट जिहड़ा स्टेज है ये की होएगा, बच्चा जिन्ने भी उन्होंने चार स्टेजिज पढ़िया शेप्स बारे ज्योमैट्री थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग बारे जिनी उसने नॉलेज ली उस बिहाफ से की करेगा फिफ्थ स्टेज के आके खुद अपनी आइडियाज़ ज्योमैट्रिकल थिंकिंग जनरेट करेगा, मतलब खुद आपके आइडियाज़ बनाने की कोशिश करेगा, होर नवे कंसैप्ट लिया की कोशिश करेगा ये इस स्टेज के। उन्होंने देखो यही कहा ना, इस विच बच्चा अपनी ज्योमैट्री सोच अनुसार खुद चीज़ा बना है, मतलब आपकी नवे नवे आइडियाज़ जनरेट करन की कोशिश करता, नवा कंसैप्ट लैके आने की कोशिश करता, कि स्टेज के रिगर या फिर एग्जोमैटिक जिन्हों की कहें लैवल फोर्थ कहा जाता है। आई होप तो यह 5 स्टेजेस समझ आए होंगे, आप एक बार फिर भी ओवरव्यू करते हैं, देखो स्टेजेस केड़ियां ने 5 ने, फर्स्ट केड़ी पढ़ी आप विजुअलाइजेशन, ये की करता बच्चा किसी ऑब्जेक्ट नाल क्लासीफाई करता किनू शेप नू, ठीक है, ये की करता एनालिसिस दे विच, एनालिसिस दे विच की करूगा प्रॉपर्टीज़ के बेस से, प्रॉपर्टीज़ के बेस से समझने की कोशिश करता किनू ज्योमैट्रिकल शेप्स नू, किदे बेस से प्रॉपर्टीज़ के बेस से। अगला देखो इनफॉर्मल डिडक्शन, हूँ इनफॉर्मल डिडक्शन के विच की कर रहा बच्चा, फॉर्मल दस्या सी किदे बेस से करेगा शेप्स नू क्लासीफाई सिमिलरिटीज़ के बेस से, ये की करन लग जाएगा दो किसी भी दो शेप्स के सिमिलरिटी लभन की कोशिश करन लग जाएगा, ये किसी सिमिलरिटी के बेस से। फॉर्मल डिडक्शन के विच की आ गया सीगा अपने को कि बच्चा की करेगा फॉर्मूलेज की नॉलेज लैनी शुरू कर देगा, फॉर्मूलेज के बेस से की करना शुरू कर देगा उन्हों का आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा शेप्स नू। अगर लास्ट वाला स्टेप मैं हुणी दस्या इहदे विच की होएगा बच्चा की करदा अपनी खुद दी नवी थिंकिंग जनरेट करनी शुरू कर दिंदा, मतलब जिन्ना भी उसने 4 लैवल दे विच पढ़िया
उस दे अकॉर्डिंग नवी आपदे आइडियाज़ खुद जनरेट करने शुरू कर देंदा है। इहदे विच आपदी आपदी नवें नवें मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नूं लैके आनी शुरू कर देंदा है। इहदे विच किहदे विच स्टेज फिफ्थ दे विच। आई होप तुहानूं इह सारा कुछ समझ आ गया होएगा। इस स्टेजिज इह सीगा अपना कंसैप्ट कि द वैन हैले दा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम दे व्यू नाल देखा तो हर बार तुहानूं एग्जाम दे विच इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपां कुछ कु क्वेश्चन भी समझदे हां वी किवें एग्जाम दे विच पुछे जांदे आ। तो देखो क्वेश्चन की है, अकॉर्डिंग टू वैन हैले लैवल ऑफ ज्योमेट्री स्टूडेंट्स हु कैन डिस्क्राइब एंड शॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। की आ गया अपने को अपीयरेंस। एक की कह रहे हैं कहिंदे वैन हैले दे अकॉर्डिंग कदों बच्चा जिहड़ा है ना शेप्स नूं सॉर्ट आउट करता है, मतलब सोल्व करता है अकॉर्डिंग टू किहदे नाल, अपीयरेंस नाल, मतलब देख के। अपीयरेंस देख के आ गया, मतलब किहदी गल कर रहे हैं, इह विजुअलाइजेशन की। आपां पहला ही स्टैप च पढ़िया सी कि विजुअलाइजेशन का मतलब की है, देखने नाल रिलेटेड आ गया। तो यह कि स्टेज की गल कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन मतलब कि फस्ट स्टेज की लैवल जीरो की गल कर रहे हैं। तो किहड़ा ऑप्शन आएगा अपने कोल, ऑप्शन डी की हो जाएगा इसका राइट आंसर। केड़ा हो गया इसका ऑप्शन डी की हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ ए रोम्बस एंड रिक्टेंगल, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हैले विजुअल थिंकिंग। कहिंदे की कर रहे हैं रोहित, रोहित स्क्वायर ते मतलब स्क्वायर नु की कह रहे हैं भी यह रोहम्बस भी है ते रिक्टेंगल भी है, मतलब उन्होंने समझ आ गई भी जिहड़ा स्क्वायर है वह रोहम्बस भी है ते रिक्टेंगल भी है। यह की चीज़ कर रहे हैं, किहड़ी स्टेज दे विच आके बच्चा ए वाली थिंकिंग कर रहा है, दसो ये केड़ी वाली की चाह रहे हैं। तो अपन सब नू पता है ये विच ये की कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के बेस से समझ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ के बेस से शेप्स नू क्लासीफाई कर रहे हैं। तो केड़ा लैवल आएगा या केड़ी स्टेज आएगी ये विच, केड़ा लैवल आएगा लैवल वन, केड़ा आएगा एनालिसिस, केड़ा आएगा एनालिसिस, मतलब वो एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बेस से, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकल शेप नू समझन की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वायर की है, रोम्बस भी है तो रिक्टेंगल भी है। तो अपना ऑप्शन डी की हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, देखो जिवें अपने को फिर क्वेश्चन ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीप्रजेंट द करैक्ट सीकुएंस ज्योमैट्रिकल रीजनिंग लैवल अकॉर्डिंग टू वैन हैले। मैं तुम्हें पहला ही स्टार्टिंग दसिया कि इसका सीकुएंस भी एग्जाम के पूछा जाता है, इसके स्टेजिज़ का सीकुएंस, क्योंकि आप इसमें अगे पिछे नहीं कर सकते, स्टैप बाय स्टैप ही चलेगी इसकी थ्यूरी। तो इसका सीकुएंस इसने पूछा कि कहड़ा करैक्ट होएगा इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का आंसर तुम दसोंगे कमेंट के, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे अपना दसो की आएगा, ऑप्शन कहड़ा आएगा। तो यह तुहाडा कंसैप्ट हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक तुहानूं इस तो बाद हुण इस टॉपिक दे विचों कोई क्वेश्चन तुहाडा नहीं रहेगा। जेकर तुहानूं यह कुछ सारा समझ आया तो तुसीं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो जी। आपां मिलांगे एक नवें कंसैप्ट नाल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।